jungle. नम ऑक्सीजन है, स्पेस सारा स्टॉप भाग गया है, कोई डॉक्टर नहीं है, पैसे रखवा लिए पैसे, पहले पैसे रखवा लिए, पैसे डूबा तलब तलब के मर रहे हैं, इसको सील करवाओ, इसके डॉक्टरों को करीब से ना दिलवाओ, आप मीडिया है। मैं मेन पुलिस है ब्रजेश चौत्र चतुर्वेदी। मेरे बड़े भाई 11 दिन से भर्ती थे अस्पताल में, ऑक्सीजन खत्म हो गई 2 घंटे से, उसके बाद ऑक्सीजन नहीं लाई गई, यहाँ का पूरा स्टाफ फरार हो चुका है और डॉक्टर साहब भी फरार हो गए हैं और डेड बॉडियाँ 5 ऊपर रखी हुई हैं, स्टाफ डेड बॉडी नहीं उतार रहा है, पूरा स्टाफ फरार हो गया है, कोई भी डेड बॉडी उतारने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ कोई सुन नहीं रहा है, पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन झगड़ा बचाने के लिए जनता के लिए आया था वो, अरे एक मिनट रुक जाओ, पुलिस प्रशासन गाड़ियाँ दूर खड़ी हुई हैं, सिटी मजिस्ट्रेट से बात हुई थी मेरी, सिटी मजिस्ट्रेट ने टेलीफोन कट कर दिया, गैस के लिए हमने उनसे आग्रह किया था लेकिन गैस की कोई सुनवाई नहीं हुई, और मेरा बड़े भाई मुन्नीलाल चतुर्वेदी मैनपुरी से एक्सपायर हो गए, एक भी बार देखने नहीं आया राजीव उपाध्याय, वीडियो कॉल से देखता था, एक भी बार देखने नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं है। मेरा नाम सत्य प्रकाश है। दिक्कत ये आई कि यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो गई, हमारा पेशेंट 2 दिन से भर्ती था, जब भर्ती हुआ तो इन्होंने कहा ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रुकेगी, और इन्होंने मैंने इनसे पूछा था सप्लाई रुके तो उसके 2 घंटे पहले भी आप हमें बताओगे, ये हमारी इनसे बात हुई थी। पेशेंट को कोरोना हो चुका था और लंग्स में इन्फेक्शन था, जब उसके बाद हम ऊपर तो जा नहीं पाते थे, नीचे ही रहते थे, वहाँ से पेशेंट फ़ोन करता था हमको तब हम बताते थे, तो पेशेंट को तो मालूम नहीं है कि ऑक्सीजन कितनी देर में ख़त्म होगी, लेकिन इनको मालूम थी, रिसेप्शन वाले फ़ोन करते रहे कि पैसा जमा करा दो, लेकिन रिसेप्शन वालों ने ये नहीं बताया कि ऑक्सीजन शॉर्टेज है यहाँ पे, भाई अपनी अपनी व्यवस्था कर लो, कुछ नहीं। अगर ऑक्सीजन ये इन्होंने, जैसे हमारा पेशेंट बीमार हुआ, पेशेंट ने फ़ोन किया, घबराहट सुनी, हम ऊपर पहुँचे, इन्होंने रोका, फिर भी हम ज़बरदस्ती ऊपर पहुँचे, पहुँचने के बाद देखा ऑक्सीजन ख़त्म है, तो इनसे कहा भाई आपने 2 घंटे पहले क्यों नहीं बताई, हमने 2 सिलेंडर के इंतज़ाम किया 2 घंटे में, एम्बुलेंस वालों से ख़रीदा, नंबर भी है मेरे पास उस एम्बुलेंस वाले का, UP 80 CT 95 38, उसके पास 4 सिलेंडर रखे थे, 22,000 रुपये में सिलेंडर खरीद के लाया हम, एम्बुलेंस है, किस नाम से है वो एम्बुलेंस, आगरा मेडिकल करके है कोई, आगरा मेडिकल केयर के नाम से है एम्बुलेंस, वो आगरा मेडिकल केयर के नाम से है, रुनकता के पास से हमने ख़रीदा हो, क्योंकि वहाँ गए थे उधर की तरफ, प्लांट की तरफ, उधर प्लांट है सिकंदरा के पास, उस तरफ गए थे हम, और क्या अभी भी है उनके पास एम्बुलेंसों को, आप चेक करवाओ प्रशासन से, मैं कहता हूँ भाई आप इनकी जाँच करवाओ ठीक तरीके से, कि आखिरकार ये जा कहाँ रही है, कालाबाजारी हो कहाँ रही है, भाई पेशेंट कितने हैं, आपने 40 अस्पताल दिए हैं, नंबर जे है ये एम्बुलेंस का नंबर है, देख लो 3895, सॉरी देख लो ये नंबर है, इससे लिए हमने, और इसके बाद 5 सिलेंडर रखे हुए हैं, बताओ वो वहाँ क्या कर रहे हैं, पेशेंट यहाँ मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और ये एम्बुलेंस में लटके बैठे हैं सिलेंडरों को, और कालाबाजारी यही कर रहे हैं एम्बुलेंस वाले, हम समझ गए इस बात को, कालाबाजारी कहाँ से।